हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे सेकंड ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते बिना प्याज लहसुन के। सबसे पहले हम लौकी को छील करके कद्दूकस कर लेंगे। पहले ब्लॉग में थोड़ी नर्वसनेस होती है, दूसरे में कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन दुख तो तब होता है जब आपका ब्लॉग कोई ना देखता हो। बहुत कम व्यूज आए। लौकी ग्रेट कर दी है मैंने, इसमें नमक डाला है, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हींग थोड़ी सी डाली मैंने इसमें, ग्रीन चिली और धनिया काट करके मैंने डाल दिया इस पर बहुत सारा। अब बेसन डाल के अच्छे से कोफ्तों को कोट कर लेंगे। उतना ही बेसन डलेगा जितने में ये कोट हो जाए। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है। जैसे ही तेल गरम होगा हम कोफ्तों को इसमें फ्राई करेंगे। लौकी कोफ्तों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें कोई सोडा नहीं पड़ती, ये अपने आप ही फूल जाते हैं और इसलिए इतना हैवीनेस नहीं लगती इनको खाने के बाद। तो मैंने पहले ब्लॉग में लौकी चने की दाल बनाई थी और दूसरे ब्लॉग में लौकी के कोफ्ते। तो ये लौकी का प्रेम जो है पंचायत सीरीज देखने के बाद ही मुझे लगता है हो गया है लौकी से प्रेम, क्योंकि उसमें सीरीज में ना बहुत सारी चीज़ें हमारी ग्राउंड रूट से जुड़ी हुई हैं। और मैं तो स्पेशली मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ तो मुझे वो देखना अच्छी लगा, मतलब मुझे वो सीरीज़ बहुत अच्छी लगी। बातों बातों में कोफ्ते तल चुके हैं, मैंने कढ़ाई से तेल निकाल दिया है और तेल गर्म ही है। गैस चालू करके मैं इसमें जीरे का तड़का लगाऊंगी, जीरा डालूंगी, हींग डाला। हींग डालने के बाद कटी हुई मेथी डाली क्योंकि प्याज लहसुन के बिना बनेगी सब्जी। मेथी को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। मेथी को सॉटे करने के बाद टमाटर की प्यूरी इसमें डाल देंगे। टमाटर को 2 मिनट पकाने के बाद इसमें मसाले डाल देंगे हम, हल्दी, नमक, लाल मिर्च। ये जो लौकी के कोफ्ते की रेसिपी है ये मेरी मॉम की रेसिपी है, शादी के बाद मैं भी बनाती हूँ इसे। माँ के हाथ का तो खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। ग्रेवी को पका लेंगे जब तक टमाटर में से ऑयल नहीं निकल जाता। जब मैं ये वीडियो एडिटिंग कर रही थी तब मम्मी का फ़ोन आ गया। उनसे बात करने के बाद पतिदेव ने बोला भूख लगी है, तो मैंने पास्ता बना दिया उनके लिए। जब तक ग्रेवी पक रही है मैंने पीछे से सैलेड भी काट लिया छील काट के, और साथ साथ आटा भी गूंद लिया। एक कोट पढ़ा था मैंने, किसी के लिए हर वक्त हाजिर होके तो देखो, काश से फालतू होने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा अपने आप की वैल्यू करिए। आप अगर आप अपनी नज़रों में अपने आप की वैल्यू करेंगे तभी तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अब ग्रेवी में तेल निकल आया अच्छा सा और हमने यहाँ पे कोफ्ते डाल दिए हैं। बस हल्का सा ही इसको पकाएंगे। अगर आपको 1 घंटे बाद खाना खाना है तो ग्रेवी अलग रखें और कोफ्ते अलग रखें, फिर जिस समय खाना खाएं उस समय ग्रेवी में इसको डिप कर दें। सब्जी साइड में रख के तवा चढ़ा दिया मैंने और यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही हैं। कैसा लगा आज का व्लॉग आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आ जाइए हमारे साथ लौकी कोफ्ते खाने।